कॉन्फिडेंस से वो बच्चियों ने बोला है ना, मैंने देखा था बड़े बड़े लीडर लोग जो वैसे भी बोलते हैं, साथ आपको चाहिए हम देंगे। बस इतने कि आपने डोंट रोडन एरिया से शुरू करना है। सिटी में सभी अवेयर है, शायद ही कोई घर होगा उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी जितना बेटा। हमें उन लोगों तक पहुंचना है जिनको यह पता है कि भाई बेटी गांव आता है मचेल जाते हैं, रात हमारी लग गई वहां पे, भी उम्र उस समय जो है 21-22 के करीब। ट्रेंड शाबाश इन दिस क्राइम, पढ़े लिखे जो है वो करते हैं। आप देखिए श्रीनगर सिटी की, जहां की सबसे ज्यादा एजुकेशन है, जहां बहुत अच्छा हब ऑफ एजुकेशन है, वहां पे फीमेल सेक्स रेशियो सबसे कम। आप अनंतनाग में जाइए सिटी में पूरा, बट वी हैव टू से एजुकेटेड जो लोग हैं वही ज्यादा क्राइम कर रहे हैं बेटी साइड। तो हमें सर लेटर आती है बाजाबता कि इस आईडी की लेडी, मेरे को डायरेक्ट कॉल आती है कि इस आईडी की लेडी को 12 महीने होगी हुई या इसको अबॉर्ट किया और उसको पूरा आप डिटेल हमें दीजिए सर, वो रैंडम सेलेक्ट करते हैं। तो बाकी जो सोशल जो सिक्योरिटी नहीं रहती है, बाकी मसाइल जो है उन पे हमको बात करने की जरूरत है, मीडिया में उछालने की जरूरत है। आप इन पे स्टोरीज करें, आप आर्टिकल्स लिखें, आप स्कूलों में सर्वे करें, आप देखें कि कितना ड्रॉप आउट है 10th से 11th तक, कितना ये खुद ही करता है, बाकी दे देता है वही के कभी कभी न्यूज आती है, लेकिन इतना अच्छा ये क्या कहते स्कीम है, बहुत ही अच्छी स्कीम है और गरीब से गरीब जो है उसको फायदा मिल रहा है। 2,000 रुपया पर मंथ उसके बच्चों को मिल रहा है, वो मैसेज हम दे पा रहे हैं वहाँ पे। हम मीटिंग करनी है एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में, वो हम फेल हो रहे हैं क्योंकि डिपार्टमेंट्स कंसर्न जो हैं वो अपनी खाली उस कटिंग के पीछे पड़े हुए हैं, उनका जो जागरूकता का मुद्दा है उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आपने बेटी को सिकंदर किया है, आपका जो था ना कसल वो सर वो बहुत ही काबिल तारीफ था। आप जो में जनवरी से उन्होंने सर एक हमें टारगेट दिया है कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स हैं जो किसी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एनरोल्ड नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन करना है। फायदा क्या है, उनको एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, इट विल बी जस्ट लाइक एन आधार कार्ड टाइप स्मार्ट कार्ड होगा, वो दिया जाएगा और उससे जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है चाहे पेंशन के चाहे हेल्थ के हैं या कुछ भी और स्कीम्स हैं वो सारे लिंक हो जाएंगे इन फ्यूचर में। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे मैं शुक्रगुजार हूँ साथियों का जिन्होंने अपने विचार रखे यहाँ और हमने नोट किए, हम उस पर अमल करेंगे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो पहले काफ़ी सदियों की बात है कि भाई वो बच्ची पैदा हुई तो उसको करते क्या थे कि वो दफना देते थे, जिंदा ही बच्ची को दफना देते थे, तो कितना वो क्या कहते हैं हमने सोसाइटी से ख़त्म करनी है। बाकी ज़िलों में होता रहा, हमारा ज़िला जो है इस साल इसको ये स्कीम जो है लागू करने के लिए कहा गया है, पीछे हम थोड़ा बिजी रहे पंचायती इलेक्शन में बिजी रहे और मेरे नोडल ऑफिसर जो है मैंने इनको नियुक्त किया और अच्छे कंप्यूटर ऑफिसर हैं, सब विचार इनकी तरफ से आते हैं मेरे को करने वाले ये हैं, मैं तो आपके चेयर वगैरह करती हैं उस पर हम अमल करेंगे और आपके ही थ्रू आपके ज़रिए जो हमारे जो जैसे आपने कहा कि हम बहुत सारे क्या कहते हैं फील्ड्स में फेल रहते हैं, अगर फेलियर है हमारा तो आपने सुझाव दिया हमारे को, उससे मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे ऑफिसर्स जो हैं वो बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे और ख़ास करके इसको गांव-गांव में जाके एक अच्छी बात आई यहाँ से हम सरपंचेस जो हैं उनका कुदरती मेरे ख्याल में 15 से सरपंचेस की ट्रेनिंग आने हो रही है, तो हम हर सरपंच को ये मैसेज दे देंगे सरपंचेस जो 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 हम यहाँ पे कुछ भी करते हैं हमारी तमाम स्कीमें जो जितने भी हैं उनका मैसेज आप पब्लिक तक पहुंचाएं, शिकवे गिले जो है वो आने चाहिए हमारे पास प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए ताकि हम सीखते हैं। हमारे एक प्रोफेसर थे
एमसीसी बात होती है कि आप आगे से हमारे को बताएं ताकि हम उसमें अपनी त्रुटियां जो है उनको बेहतर कर पाए।